जो सबसे बड़ा प्रहार छत्तीसगढ़ में हुआ, यानी कि नक्सली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली। पुलिस ने फिलहाल 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या 32 के करीब बताई जा रही है। उस मुठभेड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का कमांडर कमलेश भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ वाली जगह से जवानों को नक्सलियों के भारी संख्या में हथियार मिले, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार शामिल है। एक दिन पहले ही आपको बता दें कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से जवानों को नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था। जवानों की इस कामयाबी पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी पहुंचे थे, देर रात मुलाकात की थी जवानों से जो घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कामयाब रहा, जिसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली। और ये भी अब कहा जा रहा है कि अपडेट सामने आ गया, जिसमें 32 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर यह घटना घटित हुई। थुलथुली गांव के बीच जंगल में 2 घंटे तक फायरिंग होती रही, फायरिंग रुका, उसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और उसके बाद आपको हैरान करने वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर कई हथियार, AK-47, SLR जैसे बारूदी जो हथियार है वो भी बरामद किए गए हैं। तो एनकाउंटर हुआ, जिसमें महिला नक्सली कमांडर नीति के भी मारे जाने की खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि 6 महीने पहले ही इस तरह से ऑपरेशन एक चलाया गया था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। करीब 10 लाख रुपए की नामी नक्सली को भी ढेर किया गया। तो लाल पर बड़ा प्रहार लगातार जारी है, जवानों को सीएम साय ने बधाई दी। और अब ये सीधी तस्वीर है जब INS 24/7 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जवान लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। तो एक के बाद एक लगातार नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि मिली है। सुरक्षा बलों ने साल 171 नक्सलियों को ढेर भी अब तक कर चुका। तो नक्सली कमांडर कमलेश भी मारा गया। तो अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जो नक्सलियों को ढेर किया गया है, उन नक्सलियों के शव को ले जाने के लिए जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया और 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसके साथ ही मौके पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की तारीख कभी नहीं भूलेगा, 4 अक्टूबर का वो दिन था जब दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं वो लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में 500 से ज्यादा जवान कल शामिल थे। 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है और सभी की बॉडी को बरामद भी कर लिया गया है। सर्चिंग ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है। जवान कई पहाड़ों को क्रॉस कर नदी नालों को पार कर नक्सलियों को कोर एरिया में पहुंचे थे, जहां पर ये नक्सली रहते थे। तो लुथली नंदूर वो इलाका जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और DRG दंतेवाड़ा नारायणपुर के साथ STF ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये तस्वीरें उन नक्सलियों की हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया। तो जवानों को सीएम ने बधाई दी है। सर्चिंग लगातार जारी है और LMG राइफल, AK-47, SLR, इंसास 303 राइफल सहित कई ऐसे आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का जो लीडर था कमलेश, वो इसके साथ साथ नीति जो कमांडर रही है, इस पर भी 10 लाख रुपयों का इनाम था। तो सुरेश सलाम, मलेश, विमला सहित कई ऐसे नक्सली
जो नाबी गिरामी बताए गए हाई प्रोफाइल ये नक्सली माने जाते हैं। ये नेता एक तरह से नक्सलियों के कहा जाता है इन्हें, ये सब मार्ग गिराए गए हैं। मुठभेड़ में एक डीआरजी जवान हालांकि घायल हुए हैं, जिनका रायपुर में इलाज जारी है। हाल ही में डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात भी उन्होंने की है। तो सर्चिंग लगातार अभी भी जारी है। मुठभेड़ दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी के लीडर को मार गिराया गया है। तो एक के बाद एक इस तरह से नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके पहले 16 अप्रैल को ये आपको याद है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी जवानों ने इसी तरह का बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यानी इस साल देखें तो 189 से ज्यादा नक्सलियों के अब तक शव बरामद किए जा चुके हैं। 556 नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण भी किया है। यानी बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इनके लिए कई तरह की प्लानिंग्स बनाई गई हैं, कई तरह की इनके लिए योजना है पुनर्वास नीति को लेकर, कि अगर ये आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार की तरफ से इन्हें राहत दी जाएगी। लेकिन अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इसी तरह से एक के बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे, जिसमें कई नक्सलियों को इसी तरह से ढेर करने की तैयारी की जा रही है। पूरा प्लान लगातार तैयार हो चुका है। अबूझमाड़ का वो इलाका, ओरछा का थुलतुली इलाका, जहां पर पूर्वी बस्तर डिवीजन के कंपनी नंबर 6 के कई नक्सलियों की मौजूदगी का पुख्ता इनपुट मिला और इस इनपुट के आधार पर ही ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। तो डीआरडी एसटीएफ के जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। 500 से ज्यादा जवान उस वक्त तैनात थे और एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर करते गए। लगातार हालांकि इस इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी जवान रुके नहीं, थके नहीं और नदी नाले पहाड़ों को पार करते हुए टॉप लीडर यानी टॉप लीडर की वो जगह जहां पर मूवमेंट मिल रहा था उन नक्सलियों का, ये वहां पहुंचे और एक के बाद एक ढेर किया गया। तो अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 32 नक्सलियों को ढेर किया गया है और अब एक के बाद एक इसी तरह से ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो दंतेवाड़ा नारायणपुर एनकाउंटर, जिसमें एक के बाद एक नक्सलियों को इसी तरह से ढेर किया जाएगा, इस तरह की हिदायत भी बार बार दी जा रही है। तो 31 नक्सली ढेर, 500 से ज्यादा जवान और राडार पर टॉप लीडर, प्लानिंग बनी और उसके बाद इस तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मौके पर काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए, यानी पूरी तरह से कमर तोड़ने की तैयारी की गई थी और यही हुआ। जब एक साथ इस तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, सुरक्षा के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन लॉन्च किया। 500 से ज्यादा जवान जो थे वो इसमें शामिल थे। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए डीआरजी दंतेवाड़ा नारायणपुर के साथ एसटीएफ ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने उन जवानों की हौसला अफजाई की तारीफ की है और उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दी जा रही है। तो लाल पर बड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे इमरान खान, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गया। इमरान, क्या आप ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, बड़ी कामयाबी कह सकती है कि हमारे जवानों को मिली है? जी जी, बेशक ये बताया जा सकता है कि ये देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन रहा है और एक साथ 31 लोगों को मार गिराया गया है। और ये जो जानकारी निकल के आ रही है हमारे पास, इसमें मोस्ट वांटेड नक्सली कमलेश भी मारा गया है, नीति उर्मिला भी मारे जाने की खबर निकल आ रही है। और एक हिसाब से देखा जाए तो दंडकांडी स्पेशल जोनल कमेटी के जो टॉप के लीडर हैं, इनका सफाया हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि घटनास्थल से जो मृत नक्सली है उनके शव को लेकर अभी दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनका शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफ करके और पुलिस के आलाधिकारी इनकाउंटर को लेकर यथास्थिति से वाकिफ कराएंगे। आपको ये बता दें कि ये जो इलाका रहा है नक्सलियों का, वो इलाका रहा है और नक्सलियों के वो इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन रहा है, क्योंकि इसमें एक भी हमारे जवानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल इमरान, ये जरूर जानकारी दीजिए, क्योंकि हाल ही में सुंदरराज पी भी ये कहते हुए नजर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी कि सभी शवों को बरामद कर लिया गया है नक्सलियों के। साथ ही जो अभी सर्चिंग अभियान है वो क्या अभी भी चल रहा है या फिर जवान वापस लौट चुके हैं? जी
देखिए ऑपरेशन तो लगभग खत्म हो चुका है। जिस ऑपरेशन को लेकर जवान निकले थे वो अपने ऑपरेशन पर सफल रहे हैं। अभी बेकअप पार्टी भी गई हुई है। अब बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, उनके शव को लाने के लिए अलग अलग नारायणपुर से भी निकले हैं, दंतेवाड़ा से भी निकले हैं, कोंडागांव से भी जवान निकले हुए हैं और वो रास्ता से लेके आ रहे हैं। और ये बड़ी उपलब्धि रही है। और ये जो एक साथ शव है और यहाँ पर मर्चुरी की भी दिक्कत हो रही है तो उसको लेकर भी आला अफसर मंथन कर रहे हैं कि उनका नक्सलियों का पोस्टमार्टम कहाँ कराया जाएगा और उसके बाद उनके शव को कहाँ रखा जाएगा। इन सब बातों को लेकर आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और हाल ही में हम अगर बात करें तो कल रात देर रात हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने ये मीटिंग ली है और ये कहा है कि कड़ा ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया यानी वो लड़ाई शुरू हो चुकी है, अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी जो पहले से कवायद जिसकी कि कह सकते हैं नींव रख दी गई थी। जी सुबह में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलियों के खिलाफ जो आक्रामक रूप अपनाया गया है ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। लगभग अबुलबाहर के सभी दिशाओं में फोर्स पहुंच चुकी है और एक जो टॉप के लीडर थे, दिगर प्रदेशों के जो टॉप के लीडर थे, सब एक एक कर मारे जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा। जी तो आने वाले समय में पूरी तरह से लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है जरूर बताइए। जो हमारे जवान घायल हुए हैं, एक जवान से हाल ही में डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे कल देर रात अस्पताल में, उनकी स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? जी जवान की स्थिति ठीक है और वो जो ऑपरेशन में जब गया हुआ था जवान तो उसको मामूली जो स्प्रिंकलर लगता है वो लगा हुआ था और वो और जवान को रात में ये घटनास्थल से एयरलिफ्ट कर दिया गया था। ये डीआरजी का जवान है रामचंद्र यादव जो नारायणपुर के बिंगली के रहने वाले हैं। दाहिने हाथ की कलाई में बाई पैर में उनको स्ट्रंगल लगा हुआ था और जैसे ही घायल होने की सूचना मिली आला अफसर इसको लेकर मंथन किए और मौके पर उनको हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफर किया गया और वहां पे देर रात ये जो डिप्टी सीएम है वहां उनसे मिले, जवानों को हौसला अफजाई किया, ऑपरेशन के बारे में जाना और इसके बाद फिर डिप्टी सीएम ने कहा है कि नक्सली अब समर्पण कर दे तो बेहतर है, नहीं तो अंजाम यही होगा। जी नक्सली समर्पण कर दें तो बेहतर होगा क्योंकि अंजाम यही होने वाला है, यानी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई है वो दम तभी लेगी जब पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जरूर बताइए कि बातचीत की है सीएम ने, हौसला अफजाही की है और बधाई भी दी है जवानों को। ये लगातार जो बस्तर में एक के बाद एक सफलता मिलते जा रही है तो जो सीएम साहब रहे हैं उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से बैठक भी लिया, उनके हौसला अफजाई भी किया और बहुत ही सावधानी पूर्वक नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कही। और लगातार सीएम साहब हर एक ऑपरेशन के बाद जवानों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और ये एक जो परिवर्तन दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक का जवानों का जो मनोबल बढ़ रहा है, जो सीएम साहब से साथ साथ जो डिप्टी सीएम है और पुलिस के आला अधिकारियों को जो इनको हौसला अफजाई किया जा रहा है, एक बेहतर तालमेल जो दिख रहा है, इसका नतीजा ये रहा है कि बस्तर के खिलाफ पुलिस पूरी तरीके से उतर चुकी है, जंगल में नक्सलियों के कोर इलाके में उतर चुकी है और उनको एक एक कर ढेर कर रहे हैं। तो एक एक करके ढेर किया जा रहा है और तमाम अपडेट्स आप दे रहे हैं और भी देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इमरान। तो 11 दिन में तीसरी मुठभेड़, जब हाल ही में 24 सितंबर को भी सुकमा जिले में एक मुठभेड़ हुई थी और दो नक्सलियों को ढेर किया गया था, यानी अब तक 188 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। तो एक के बाद एक इस तरह से ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रहार और पल पल की तस्वीरें अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। तरह से नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और कई नक्सलियों के ढेर होने की सूचना भी मिली। तो देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कल कामयाब रहा जिसमें 32 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली और तमाम नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में और नारायणपुर दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर थुलथुली कावाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स
कि वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस आलोचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से, दांतेवाड़ा डीआरजी थी, नारायणपुर डीआरजी थी, एसटीएफ, सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले। और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया। और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है, भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं। तो नक्सलियों की बॉडी बरामद हो चुकी है, कई हथियार भी बरामद हो चुके हैं, इस तरह की बातें भी कहते हुए नजर आए। तो नक्सलियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार ओरछा थाना इलाके का नैंदूर थुलथुली गांव, जहां पर बीच का वो जंगल और कई घंटे तक इसमें फायरिंग होती रही, फायरिंग रुकी, फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद एक के बाद एक कई जवानों के शव बरामद किए जा रहे हैं, यानी कि 32 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। कई ऐसे हाई प्रोफाइल नेता लीडर नक्सलियों के वो भी ढेर कर दिए गए हैं, जिन पर लाखों रुपयों का इनाम था। तो पुलिस ने फिलहाल शर्म बरामद कर लिए गए, मारे गए नक्सलियों की संख्या 32 के करीब पहुंच चुकी है। और इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि जवानों ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से टारगेट किया और इसके बाद उसका खात्मा कर दिया। तो नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का जो कमांडर है कमलेश, वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ वाली जगह में जवानों को नक्सलियों की भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार शामिल हुए हैं, कई इंसास, राइफल, AK-47, ये तमाम वो आधुनिक हथियार होते हैं जिनसे पूरी तरह से कामयाबी कह सकते हैं कि जवानों को मिली है। एक दिन पहले ही नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से जवानों को नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था, पूरी तरह से ये अभियान गुप्त रखा गया था। और इस जवानों की कामयाबी पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस ऑपरेशन पर बधाई दी है, जवानों की हौसला अफजाई की है। एनकाउंटर में कई महिला नक्सलियों को भी ढेर किया गया है और महिला नक्सली कमांडर नीति, जिस पर कहा गया है, ये तस्वीर भी उसी की है जिस पर ये कहा गया कि 10 लाख रुपयों से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया था, ये कमांडर कमलेश जिसकी फोटो भी सामने आई है, इसे भी ढेर कर दिया गया। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। पंकज, क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या अभी भी सर्चिंग का ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ अब तक बरामद हुआ? दरअसल देखिए, यह मुठभेड़ अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जवान नक्सलियों के शव लेकर निकल रहे हैं, 31 शव यहाँ पर बरामद हुए हैं। और बेहदी इंद्रावती के पार का ये जो इलाका है, थुलथुली का जंगल और नेंदूर की जो पहाड़ियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, ये काफी सेंसिटिव और डेंसिटी जंगल का इलाका है, जहाँ से जवानों को शव निकालने में भी दिक्कत हो रही है। पूरा पुलिस का हमला लगाया गया है। इस मुठभेड़ में जो सबसे मास्टर माइंड है कमलेश और नीति, ये दो मारी गई है। जो कमलेश है, बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है और कमलेश सिविल आईटीआई में भी हमारा शामिल था और ये कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। नक्सलियों की प्लाटून नंबर 6 और उनकी पीएलजी बटालियन का नंबर 6 और प्लाटून नंबर 16 के नक्सलियों की मौजूदगी थी, पूरा उनका कैडर समाप्त कर दिया जवानों ने। 4 AK-47 हथियार बरामद हुए हैं और अभी कई और बड़े विस्फोटक सामान बरामद हुए हैं, जिसको लेकर के सुरक्षित जिला मुख्यालय की तरफ निकल रहे हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, जहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और ये डिस्प्ले किया जाएगा कि मतलब इस मुठभेड़ में कितने लोग और शामिल और कितनी महिला नक्सली, कितने पुलिस नक्सली है, इस तरीके की कई अपडेट आना बचा है जी। तो बिल्कुल, अब प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, तो जानकारी आपने दी है। लेकिन इसके साथ साथ पी सुंदरराज क्या कुछ कहते हुए नजर आए इस पूरे टारगेटेड हमले को लेकर, इस बड़े सफल ऑपरेशन को लेकर? जहाँ तक कार जाएगी वहाँ तक पंकज जी। हेलो जी पंकज, आप क्या कुछ कहा पी सुंदर राज ने, जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है, इसके बाद वो बकायदा पीसी भी कर रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि डीआईजी साहब से लेकर दंतेवाड़ा एसपी ने भी ये बात कही कि जो इसमें जवानों की कैजुअल्टी नहीं हुई है, एक भी जवान को लॉस नहीं हुआ है, 400 से ज्यादा जवान इस इलाके में उतारे गए थे, नक्सलियों के पूरे सूचना तंत्र को जवानों ने पैरों तले रौंदते हुए ये बात साबित कर दी कि अब हमारे जवानों का इतना अधिक मतलब सूचना तंत्र नक्सलियों से मजबूत हो गया है कि नक्सलियों को इस बात की भनक तक लग गई कि हमारे जवान चारों तरफ से उतरे और नक्सलियों को बड़े इनकाउंटर में फंसाया और ढेर कर दिया।
इससे बात साबित हो रही है कि अब कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो नेटवर्क है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। पुलिस की रणनीति काम कर रही है, पुलिस की टैक्टिक्स है जो नक्सलियों पर अब इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि नक्सलियों को पलायन जैसी स्थिति आ गई। क्योंकि बीते 9 महीना में देखा जाए तो लगभग 171 नक्सलियों को इनकाउंटर किया गया है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक साल के अंदर में 171 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अगर इसी तरीके से इस कैडर के इनकाउंटर होंगे तो निश्चित तौर पे नक्सलियों का पलायन हो जाएगा। बिल्कुल पलायन होगा। और पंकज आपने सही कहा, ये नक्सली ऑपरेशन जो चलाया गया ये सफल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जवानों को कोई क्षति नहीं पहुंची। एक जवान जरूर घायल हुए लेकिन उम्मीद यह है कि जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 32 नक्सलियों के शव अब बरामद कर लिए गए, कई ऐसे हथियार जो हैं वो आधुनिक तरीके के वो भी मिले हुए। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है, सबसे बड़ा प्रहार कहा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि बाद किस तरह की प्रदर्शनी यहां लगाई जाती है और किस तरह से जवानों का हौसला अफजाई और